तो उसकी जगह शायद हसनैन को खिला लेते। पाकिस्तान फैंस को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले भी बात की जा रही थी कि शाहीन इतना फिट नहीं है। ठीक है, ही परफॉर्म एट टाइम्स, बट वर्ल्ड कप का फाइनल था। अगर वो कम्प्लीटली फिट नहीं था और आपको पता था तो शायद आप रिप्लेस कर देते यार। नो वन इज बिगर देन द गेम। सो आई हैव अ गेस्ट विद मी, यू नो हिम, डेनिस। सो डेनिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफेट? Well, I know who you can't blame. You can't blame Shah Masood. And you can't really blame Harris Ralph. And if you blame Shaheen, you're a twit. Because Shaheen bowled his lights out, batted as hard as he could, took the catch that brought Pakistan back into the match and brought belief. Hurt his knee at the same time, taking that miraculous catch. And then Iftikhar, 13 runs, 5 balls, game over. Just when Pakistan thought they were back in it. We thought they were back in it. We thought 1992 happening all again, and turned out it was 1996, except that this time the injury to the fast bowler was real. So what was the turning point in the match, if you can just summarize in one line? I think Adil Rashid and Karan's bowling in the first innings when Pakistan were batting 2 for 22 for Adil Rashid, amazing, and Karan as well. I thought that was going to be very hard to catch up to that. As I said, Shaheen tried. Even Shadab Khan tried, but there was too many top balls, and ultimately 130 odd was not enough in a final. If they got to 150, it would have been much, much closer. किसी एक बंदे पे बात शायद आज हमें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने रन्स कम किए। आप जिस मर्जी प्लेयर का नाम ले लें, ये मैच 138-140 का नहीं था। पाकिस्तान को कम से कम 150, 160, 170 वाला मैच खेलना चाहिए था। देखें, जो बड़े प्लेयर है ना, वो ऐसी ही सिचुएशन से मैच निकालते हैं। हमने बड़ी दफा देखा है टफ कंडीशंस में विराट कोहली को, कि वो नीचे से आके ऊपर से आके जहां पे भी उसको मौका मिले। एमसीजी में इंडिया पाकिस्तान में क्या कंडीशन थी, इससे टफ तो नहीं थी ना। तो मैं यहाँ पे आपके किसी भी फेवरेट प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं, मतलब 14 बॉलों पे अगर कोई 15 करता है या 27 पे कोई 28 कर रहा है। पाकिस्तान ने रन कम किए, ये हम सब जानते हैं, और डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ ग्राउंड में देख रहा था। मुझे शुरू से ही पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो वाली नजर नहीं आई। लाइक वो चढ़ के नहीं खेल रहे थे, आके वो टाइम ले रहे थे। ठीक है, आप कहेंगे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, बट ये जो अपॉर्चुनिटी एमसीजी में पाकिस्तान को 30 साल के बाद मिली थी वर्ल्ड कप लिफ्ट करने की, इनको चढ़ जाना चाहिए था, इंग्लैंड पे मार देना चाहिए था उनको। ना परवाह करते किसी चीज की। पाकिस्तान ने शायद पहले 6 ओवरों में कितनी 18 डॉट बॉल्स खेली है, मतलब ऑलमोस्ट 3 मेडन ओवर खेल दिए। रन्स कम थे, रन्स बहुत ज्यादा कम। अगेन मैं शहीन पे लाजमी बात करूंगा। उसने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड कप इस मैच से पहले पता था कि वो फिट नहीं है, 40% भी फिट था, 50, इवन वो 90% भी फिट था, आपको उसको नहीं खिलाना चाहिए था। आप हसनैन को खिलाते या किसी भी ऐसे फिट प्लेयर को खिलाते जो अपना 100% देता है। यार वर्ल्ड कप का फाइनल था, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक दफा आती है। हमारे बड़े कहते थे यार, हमने 92 में पाकिस्तान को देखा है कि वो जीते हैं वर्ल्ड कप का मैच। हमारी जिंदगी में एक ही दफा ये मौका आना था, और पाकिस्तान ने गवाया ये मौका। इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेला है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने पूरे चांसेस दिए हैं इंग्लैंड। जो क्रिकेट पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली है, वो बेस्ट मैच था पाकिस्तान का इस पूरी वर्ल्ड कप की कैंपेन में। मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा इनसे। इवन न्यूजीलैंड को भी जो आपने हराया सेमीफाइनल को, मैं उसका भी क्रेडिट नहीं लूंगा। अभी रमीज राजा का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल था, जहां पर वो कहते हैं कि जो टीमें बिलियन डॉलर्स की लीग्स करवाती हैं, हम उनसे भी आगे हैं। इतना नहीं बोलना चाहिए, इतने बड़े लफ्ज नहीं बोलने चाहिए। आपने सेमीफाइनल के लिए इसलिए क्वालिफाई किया है कि नेदरलैंड्स ने अफ्रीका को हरा दिया है, आपने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से क्वालिफाई नहीं किया था। एक बात हमेशा याद रखें कि इंडिया के 10 ओवरों में 48 पे 4 आउट थे, देवर डन एंड डस्टेड फ्रॉम द गेम। बट कोहली ने क्या किया, इससे हजार गुना मुश्किल कंडीशन थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, जो बॉल वहां पे कर रही थी, आप और मैं समझ भी नहीं सकते उस चीज को, वो वहां से मैच निकाल के लेके गया था। आपका मैं किसी प्लेयर का, आपके किसी फेवरेट प्लेयर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मैं पिछले 3-4 महीने से बड़ी आवाजें उठा रहा हूँ, बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। आप अगर 30-30, 35-35, 25-25 बॉले खेल रहे हैं, आप अगर ओपन में आके 14-15 बॉले खेल रहे हैं, पावर प्ले वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर चैंपियंस टीम ऐसे नहीं करती। आपके सामने इंडिया की एग्जाम्पल है कि कोहली कैसे मैच निकाल के लेके गया था।
अगर आपने अपना कंपैरिजन दुनिया की टॉप टीम्स में करना है आपको क्रिकेट भी फिर अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल खेलनी पड़ेगी। मुझे नहीं सुनना ये कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि मैं बड़ा उदास हूँ। ये एमसीजी में जिंदगी में एक दफ़ा मौका मिलता है, शायद जिंदगी में एक दफ़ा तो मौका नहीं मिलता, कभी कभी जिंदगी में एक दफ़ा मौका मिलता है। एक दफ़ा 90s वाली जनरेशन को मिला था, एक दफ़ा हमें मिला था, और हमने ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी क्योंकि हम टाइम बहुत ले रहे थे, हम थोड़ा सा प्रेशर ले रहे थे और हम शायद बहुत ज़्यादा दबे हुए थे। वेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।